मेरी अकल क्या घास है, इधर उधर की बातों में मिल जाएगी तुम्हें। तुम ये क्यों नहीं सोचती कि इसमें सबकी इज्जत, तुम्हारी अकल क्या घास है। अनाम, फराज मुझे क्या हो? अनाम, अनाम, फराज क्या हुआ है? फराज मैंने बहुत बुरा ख्वाब देखा, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। चलो पानी पियो, मैं मामा को बुला कर लाऊं। नहीं आप यहीं रहे, मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम आराम से सो जाओ, मैं आईफिल कुर्सी पड़ता हूँ। लेटो, तुम डरने की जरूरत नहीं, मैं हूँ ना। लेटो लेटो। फराज, फराज बेटा आ जाओ, नाश्ता लग गया। जी अम्मा। अनम बेटा, तुम आज भी स्कूल जा रही हो? स्कूल जाना बहुत जरूरी है, छुट्टी नहीं कर सकती। शक्ल से ही तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही बेटा, आज आराम कर लेती। फराज तुम ही समझाओ ना इसे। स्कूल में स्पोर्ट्स वीक चल रहा है, प्रिंसिपल ने मना किया छुट्टी करने से। बेटा जान और सेहत से जरूरी नहीं है नौकरी। अम्मा आप भी जिद पे अड़ जाती हैं। कह रही हूँ जाना जरूरी है, छुट्टी नहीं कर सकती मैं। नाश्ता मैं इसे समझाना बहुत मुश्किल। अच्छा जाओ तुम, खुद छोड़ कर आओ, उससे मैं रिक्शे पे चली जाएगी। अल्लाह हाफिज। खूब नाश्ता की तरह फराज को अनम, अपना ख्याल रखना, ज्यादा भाग दौड़ मत करना, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं। हेलो जी, नहीं मैं मिसेस वलीद हूँ, अनम की फ्रेंड। मिस अनम गिर गई हैं, आप प्लीज जल्दी से आ जाएं। अनम के साथ आप हैं? जी। ये मेडिसिन ले आई है। अनम ठीक है? वो तो ठीक है, लेकिन मिसकैरेज हो गया है। घबराने की बिल्कुल बात नहीं है, शी इज एक्सपेक्टिंग ये ख्वाहिश भंवर है जो रुकती नहीं, दुआ है ये ऐसी जो लगती नहीं, मर्जी में तेरी तो कुछ भी नहीं। जब तुम्हें डॉक्टर ने आराम करने को कहा तो आराम क्यों नहीं किया? मैं तो कोई बात करूं तो बुरी बनती हूँ। आप क्यों बुरी बनी? आप घर की बड़ी हैं, आप कुछ भी कह सकती हैं। अनम बेटा तुम बड़ों की बात क्यों नहीं सुनती? मुझे कोई बड़ा समझे तब ना, कोई बात समझाऊं तो उल्टा मतलब लेती है। मना किया था आज भी कि स्कूल मत जाओ, मगर आप दोनों मुझे बातें सुनाने के लिए आई हैं। देख नहीं रही कितनी परेशान हूं मैं, मुझे कोई शौक नहीं है काम करने का, मजबूरी में करती हूँ। मजबूरी? हाँ, मेरा शौहर तो लाखों कमा के मुझे देता है ना जो मैं काम ना करूँ, लेकिन हमारे घर के खर्चे पूरे नहीं होते हैं, अजाब बना हुआ है। मुझे बातें सुनती रहती।